हेलो फ्रेंड, टीचर सेल में आपका स्वागत है। मैं कुमार, आज ग्राम पंचायत एवं पंचायती राज से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जो हर परीक्षा में लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वीडियो में सम्मिलित किया है, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं या तो पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, मेरी गारंटी है कि जिन क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में समाहित किया है, यदि आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको कंठस्थ हो जाएंगे और ग्राम पंचायत और पंचायती राज से कुछ भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन के उत्तर आप आसानी से परीक्षा में दे सकेंगे। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें, तथा साथ में लाइक और शेयर करना न भूलें, जिससे मेरे वीडियो अधिकतर लोगों के पास पहुंच सके। आइए देखते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने के पहले हम थोड़ा सा ग्राम सभा के बारे में जान लें। तो अगर आप ग्राम सभा के बारे में जाने रहेंगे तो आगे के क्वेश्चन आपको समझने में आसानी होंगे। चलिए आइए देखते हैं, ग्राम सभा किसे कहते हैं। पहले ये जान लीजिए, ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांव के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है। ग्राम सभा का क्षेत्र एक संपूर्ण ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों जिनका नाम मतदाता सूची में, अर्थात मतदाता सूची में आपका नाम अवश्य दर्ज हो, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के किसी बैठक की गणपूर्ति के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 20वें भाग, मतलब 1/20 भाग या 5% की मंजू पूर्ति होनी चाहिए। दोस्तों, वैदिक काल में ही पंचायतों का अस्तित्व था। ग्राम वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता, अर्थशास्त्र का ग्रामीण ग्राम का प्रमुख होता था। अर्थशास्त्र की रचना मौर्य काल शासन काल में हुई थी। ग्राम सुशासन का विकास चोल शासन की मुख्य विशेषता थी। चोल शासन की क्या विशेषता थी? ग्राम स्वशासन। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का को प्रोत्साहित किया था। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था, तो आप उत्तर देंगे लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज बलवंतराम मेहता की कमेटी की सिफारिश पर लागू हुआ था। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 और भाग 9 में 300 पानों को पंचायत बनाने की परिकल्पना हुई थी, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 243A से 243O तक इसका मिलता है। आइए हम पंचायती राज और ग्राम पंचायत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो आप उत्तर देंगे संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो पंचायती राज व्यवस्था सत्ता विकेंद्रीकरण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है, यह प्रमुख उसका उद्देश्य है पंचायती राज व्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन निर्देशक सिद्धांत जो है उसमें अनुच्छेद जो 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 75वें संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 25 अप्रैल 1925
93 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो यह नागौर राजस्थान में सर्वप्रथम लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर में लागू की गई थी। देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952 को भारत में लागू हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 13, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो बलवंत राय मेहता जो थे उनकी समिति की सिफारिश पे पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 14 है, तो आप उत्तर देंगे ग्राम पंचायत जो होता है पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 15, बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो पंचायत समिति जो होती है वो महत्वपूर्ण संस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के दो स्तर का होने का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति की सबसे बड़ी यही खासियत थी कि इन्होंने जो दो स्तर पंचायती राज संस्थाओं में होने के लिए दिया था, बलवंत राय मेहता ने तीन स्तर दिए थे। तो आप उत्तर देंगे कि अशोक मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 17, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व तो कौन करता है? तो ग्राम प्रधान जो होता है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व तो करता है। यह क्वेश्चन पर कई परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज विषय किस सूची से है? तो यह राज्य सूची से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई? तो 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु 21 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती हैं? तो सरकारी अनुदान पर निर्भर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो यह एक प्रशासकीय अभिकरण होती है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो यह मेला एवं बाजार कर जो होता है ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत होता है। यह UPPCS 2018 में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो ग्राम स्तर पर होता है। क्वेश्चन नंबर 27, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो जैसा हम लोग जानते हैं पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 28, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान द्वारा व्यवस्था किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? तो यह राज्य सरकार जो होता है पंचायत चुनाव के लिए निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर 30, पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होता है? तो प्रखंड स्तर पर होता है। क्वेश्चन नंबर 31, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर होना आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर आवश्यक होता है कि ग्राम पंचायत का गठन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 32, किस समय काल को पंचायती राज का उत्थान काल कहा जाता है? तो 1959 से 1964 जो होता है पंचायती राज का उत्थान काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, नगरी स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो
नगर या स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव करवाता है। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्ति अधिकार एवं दायित्व बताए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 243 जी जो होता है इसमें पंचायत की शक्तियाँ अधिकार एवं दायित्व बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य एवं जिले के बीच समन्वयक कौन होता है? तो जिलाधीश जो होता है राज्य एवं जिले के बीच समन्वयक होता है। जिलाधीश का मतलब होता है डीएम। क्वेश्चन नंबर 36, पंचायत के विघटन के बाद कितने समय पूर्व पुनर्निर्वाचन की आवश्यकता है? तो विघटन तारीख से 6 माह से पहले हो जाना चाहिए पंचायत का गठन। क्वेश्चन नंबर 37, पंचायत के कार्यकाल का आरंभ कब से माना जाता है? तो पंचायत के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पंचायत के कार्यकाल का आरंभ होता है। कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों, एक बार ठीक ढंग से देख लीजिएगा। UBSSC के अधीनस्थ परीक्षा में बहुत पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38, गांव के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कम से कम 1/3 महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, जिन जनपद पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कुल जनसंख्या आधे से कम है वहां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान है? तो 25% का आरक्षण का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो जैसा कि ऊपर हम लोग बताए हैं कि 21 वर्ष होना चाहिए। ग्राम पंचायत के कार्यों की सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? तो ग्राम सभा जो होता है ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 42, पंचायत समिति का बजट पंचायत समिति के समक्ष कौन पेश करता है? तो विस्तार जो अधिकारी होता है वही पेश करता है। क्वेश्चन नंबर 43, पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष को होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 44 सॉरी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की गजट में प्रकाशन कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को यह गजट में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, किस समय काल को पंचायती राज का ठहराव काल कहा जाता है? तो 1965 से 1968 जो होता है पंचायती राज का ठहराव काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, पंचायतों के चुनाव का भार किस संस्था को सौंपा जाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है उसको सौंपा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, क्या सभी राज्यों में 3 स्तरीय पंचायत गठित किए जाएंगे? तो 3 स्तरीय जो पंचायत होता है वो 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में 2 स्तरीय पंचायत ही गठित किया जाएगा, ऐसा प्रावधान हो है। क्वेश्चन नंबर 49, 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया है? तो 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, किस अनुसूची में दर्ज विषयों में के लिए पंचायतों की शक्तियां हस्तांतरित करने की अधिकृत किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों को शक्तियां हस्तांतरित करने की अधिकृत किया गया है। दोस्तों शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करना न भूलें तथा लाइक और शेयर करना न भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी तथा वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत।